इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिए। न्यूज़ की रिपोर्ट। प्रेमी के साथ पकड़ाई गई प्रेमिका की गांव वालों ने शादी करा दी। शादी के बाद लड़का 4 दिन तक ससुराल में रहा और यहीं उसकी सुहाग रात हुई, लेकिन विदाई के बाद पति अपनी दुल्हन को रास्ते में छोड़कर भाग गया। प्रेमी से मिले धोखे के बाद निक्की अब परेशान है और उसे सबक सिखाना चाहती है। निक्की ने कहा कि प्रेमी चंदन शादी का झांसा देकर मुझे अपने पास बुलाता था और जब अब शादी हो गई है तो अपनाने को तैयार नहीं है। विदाई के बाद ऐसे फरार हुआ चंदन। मामला बिहार के वैशाली जिले के भगवानपुर के रतनपुरा गांव का है। पीड़ित दुल्हन निक्की ने बताया कि 10 सितंबर की रात वो अपने प्रेमी से मिलने गांव के बाहर गई थी। ना जाने ये खबर कैसे गांव वालों को लग गई, उन्होंने हम दोनों को पकड़कर शादी करा दी। शादी के बाद की सभी रस्में हमारे घर पर हुई। इस दौरान 4 दिन तक हम घर में पति पत्नी की तरह रहे। शादी के बाद चंदन भी काफ़ी खुश था। निक्की ने बताया कि चंदन और उसके घर के लोग मुझे स्वीकार नहीं कर रहे थे। शादी के बाद 5 दिन तक तो चंदन मुझे विदा कर ससुराल ले जाने के तैयार ना हुआ। पुलिस मुखिया और गांव के अन्य लोगों के प्रेशर के चलते शुक्रवार शाम को चंदन मुझे विदा कर ले जाने को तैयार हुआ। रास्ते में वह लगातार अपने दोस्तों को फ़ोन कर रहे थे और कुछ प्लान कर रहे थे। गाड़ी जब रहसा चौक पर पहुंच गई तो मैंने देखा कि कुछ लड़के एक दुकान के बाहर खड़े हैं। मेरे पति चंदन ने उन्हें हाथ से इशारा कर बताया कि वहाँ इस कार में है और आगे चलना है। हमारी कार जैसे ही सुनसान जगह पर पहुंची तो बाइक सवार कई लोग कार के पीछे पहुंच गए, ड्राइवर को गाड़ी रोकने को मजबूर कर दिया। कार रुकते ही चंदन गेट खोलकर बाहर निकला और बाइक पर बैठकर अपने दोस्तों के साथ भाग गया। आपत्तिजनक हाल में पकड़े जाने पर हुई थी शादी। आधी रात को प्रेमी से मिलने गांव से बाहर गई निक्की कुमारी को गांव के लोगों ने प्रेमी चंदन कुमार के साथ खेत में आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। घटना 10 सितंबर की रात की है। रात को ही लड़की के परिजनों ने गांव के लोगों की मदद से चंदन और निक्की की शादी करा दी। हाजीपुर के खोसवार निवासी नंदू तिवारी की पोती निक्की कुमारी अपने नानीहाल रतनपुरा में नाना नागेंद्र चौधरी के यहाँ रहती है। उसे लालगंज के अगरपुर के संजय सिंह के बेटे चंदन से प्यार हो गया था। चंदन काफ़ी समय से निक्की से मिलने आ रहा था। बताया जाता है कि चंदन से उसका प्रेम प्रसंग पिछले 3 सालों से चल रहा है। शादी करने का वादा कर चंदन उसे अपने पास बुलाता था। 10 सितंबर की आधी रात को चंदन अपनी प्रेमिका से मिलने आया, तभी पहले से घात लगाए ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया। रात में ही पंचायत के मुखिया सरपंच सहित 5 की उपस्थिति में दोनों की शादी करा दी गई।